इस पर हमारा कलाम चल रहा था कि आखरत का इनकार करना ये कुफ्र होता है हमें मानना होगा हर एक को यीदा रखना होगा कि आखरत है अल्लाह की बारगह में हाजिर होना है हिसाब व किताब होना है अल्लाह तला चाहे तो बिला हिसाब किताब भी कि जन्नत में डाल सकता है हिसाब व किताब भी होगा फिर अल्लाह ताला बहुत सौ को जन्नत में डालेगा बहुत सौ को जहन्नम में डालेगा इस पर ईमान रखना लाजिम है आगे शाह फरमाया कि इज़ा इज़ारत हम मकान बन जब वो उन्हें दूर से देखेगी कौन देखेगी यानी वो आग जहन्नम की आग जब एक वहाँ बुलाए जाएंगे तो दूर से जब ये आग उन्हें देखेगी तो गोया कि उस आग को अल्लाह तबारक व ताली ये शोर अता फ़रमा देगा कि वो बायदा महसूस करेगी अपने दुश्मनों को देखेगी तलाश करेगी और जिस तरह अपने दुश्मनों को देख कर एक आम आदमी गज़ब महसूस करता है गु़ा आता है नफ़रत पैदा होती है इसी तरह आग में भी ये जज्बा पैदा कर दिए जाएंगे इज़ारत हम और जब देखेगी वो आग उन्हें मिम मकान बैद दूर मकाम से समय तगै व ज़फ़ीरा तो वो इसका जोश मारना और चिंगाड़ना सुनेंगे यानी वो जोश मारने लगेगी लपकेगी इनकी तरफ आगे जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप पेट्रोल छिड़क दें आग के ऊपर एकदम भड़कती है बहुत तेज़ी के साथ और तो ये आगे लपकेगी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा और बड़ी गरज होगी उसकी वो और ज़्यादा मतलब उसमें गरज का इजाफा होगा तो गोया कि वो चिंगाड़ रही होगी इनको देखकर कर गजबनाक होगी कि इनको मुझमें ले कर आओ इज़ा और जब उल्कू मन डाले जाएंगे वो इस आग में मकानन दयिकन तंग जगहों में बिल्कुल तंग जगह में वैसे जहन्नम बहुत बड़ी है लेकिन हदीसों के मुताबिक काफ़िर को एक संदूक में बंद कर दिया जाएगा बिल्कुल तंग जगह और उसमें शदी कस्म के अजाबात तो अल्लाह ने फरमाया वज़ा उल्किन और जब डाला जाएगा उन्हें इस आग में मकानम दय्यकन एक तंग जगह में तो मुकर्र नीना जंजीरों में जकड़े हुए इन इस हाल में कि जंजीरों में भी जकड़े हुए होंगे दाऊ तो वो पुकारेंगे हुना वहाँ पर होना लिखा उस मकाम पर सुबुरा मौत को तो ये मौत को तलब करेंगे हाय मौत है मौत मौत को पुकारेंगे बहुत ज़्यादा ला तदौल यौम मबो रऊँ वाहिद वो सबो रन कसी रौ तो इन्हें कहा जाएगा कि तुम आज के दिन एक मौत मत मांगो बल्कि तुम बहुत सी मौतें मांगो इसलिए कि अजाब एक नहीं है तुम पर सैकड़ों किस्म के अजाबात हैं और हर अजाब के जवाब में तुम मौत को तलब करोगे तो एक मौत आज तरफ मत करो कि अल्लाह मौत दे दे और बहुत सारी इस पर इस पर मौत दे दे इसमें मौत दे दे इसमें मौत दे दे गर्ज़ है कि वहाँ शरीक कस्म का अजाब होगा इसलिए मुसलमान को तो ये तवज्जो करनी चाहिए कि आज इस्लामी पाबंदियों को देख कर हमें समझते हैं कि यार ये पता नहीं शैतान वसवसा डालता है बाद अवत यानी ये इस्लाम कबूल करके पाबंद बहुत हो गए फिर ग़ैर मुस्लिमों को देखते हैं कि उनके यहाँ इतनी आज़ादी उनके यहाँ इतने मज़े वहाँ पर कितना वो इन्जॉय कर रहे हैं ये है वो है तो वसवसा स बाजू शतान डालने की कोशिश करता है कि ना तुम मुसलमान होते ना तुम इस्लाम कबूल किए हुए होते ना इतनी पाबंदियाँ तुम पे तुम पे लाजिम आती उस वक्त आप इस कस्म की आयत को याद कीजिए कि अल्लाह का बड़ा करम है कि आज इन पाबंदियों की तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है यह तो सदत की बात है अगर खुदा नख्वास्तः ईमान की दौलत हमें ना मिलती बक तमाम ऐशो आराम मिल जाते तो आख़रत में क्या होता ये सख्त आजाब इनको फार का आजाब है कि अल्लाह ने फरमाया तंग जगहों में बंद कर दिए जाएंगे और इस इतनी कस्म के अजब नाजिल होंगे कि ये तंग आके मौतों को मौत मांगेंगे कि अल्लाह हमें मार दे लेकिन मौत इनको नहीं आएगी और एक तरह का अजाब नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ़ कस्म के अजबात इन पर मुसलत किए जाएंगे। तो हमें अल्लाह का शकर अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं ये ज़िंदगी कितनी है बीस साल तीस साल की रह गए होगी चालीस साल पचास साल फिर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद एक मुसलमान के लिए राहत ही राहत है अगर उसने अपने नफ्स को काबू में करके रखा था और कुफ़ार के लिए ज़िलत तो व रसवाई ज़िल्त तो व रसवाई ही है जितना उसने ऐश कर लिया ख़त्म तो चालीस पचास साल जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत पाबंदियाँ आ भी जाएँ तो कौन सी बड़ी बात है इसके बाद राहत है और वो राहत का जो ज़माना है उसका कोई एंड ही नहीं है बिल्कुल आप इख्तिताम ला ही नहीं सकते क्योंकि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताले की तरफ से एक फरिश्ता निधा करेगा ये बुखारी की रिवायत है वो कहेगा ए लोगों खुश हो जाओ कि अब तुम हमेशा जन्नत में रहोगे कभी नहीं निकाले जाओगे तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी तुम हमेशा जवान रहोगे कभी तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा तुम हमेशा तंदरुस्त रहोगे कभी तुम पर बीमारी नहीं आएगी तो वहाँ पे जन्नतियों की खुशी में बड़ा इजाफा हो जाएगा तो वो ऐसा मकाम है जहाँ एक दफ़ा आप दाखिल हो गए तो इन शाला फिर कोई गम नहीं है कोई परेशानी नहीं ये दुनिया के गमों से परेशान हो हम शिकवे कर बैठते हैं शिकायतें कर बैठते हैं मादल अल्लाह की तरफ सवालिया नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह की तरफ़ से मुराद ये कि अल्लाह ताला के लिए कुछ सम तो नहीं है लेकिन तवज्जो कर लेते हैं अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ये क्या है हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है हम पे सितम हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है अरे भाई ये आजमाइश है दुनिया दारमल है अल्लाह ताली इसी तरीके से मुख्तलि तरीक़ों से आजमाता है अगर हम आजमाइश पर पूरा उतर गए तो फिर जन्नत तो देखिए कैसी है वहाँ पर दूध की नहरें शहद पानी शराब की नहरें और वो दूध भी ऐसा कि पिए तो शिकल पैदा ना हो बोझ पैदा नहीं होगा यहाँ का शहद आप दो चमचे पी कर देखिए दिल भर जाएगा वहाँ पे गिलास ही गिलास भर कर पियेंगे बिल्कुल बोझ महसूस नहीं होगा यहाँ की शराब पी कर कोई देखे मादल्ला तो नशा चढ़ेगा बेहुदा बकेगा वहाँ की शराब में नशे नहीं है ज़ायका बेहतरीन कस्म का कोई नशा नहीं अक्ल बिल्कुल सलामत कोई बेहूदगी नहीं पाकिजगी पाकिजगी सलामती सलामती खूब मतलब फलदार दरख्त सायादार दरख्त ज़बरदस्त किस्म का माहौल कोई गंदगी कोई बेहूदगी नहीं कोई करप्शन नहीं कोई मारपीट नहीं कोई षितम नहीं जितना मर्ज़ी सो जितना मर्ज़ी खाओ जितना मर्ज़ी पियो कोई काम नहीं करना है कोई ड्यूटी नहीं करनी है कोई इबादत अदा नहीं करनी है अब आप आज़ादाना ज़िंदगी गुजारिए तो सारी पाबंदियाँ दुनिया तक हैं और सिर्फ चालीस पचास साल जिंदगी में पता भी नहीं चलता आप जो मुझे सुन रहे हैं आप गौर कीजिए आपकी उम्र कितनी है किसी की बीस साल किसी की सोलह साल किसी की तीस साल चालीस साल पचास साल जो आपकी सबका ज़िंदगी के साल गुज़र गए क्या आप उन तमाम सालों का कोई उनकी तवालत का अंदाज़ा कर सकते हैं नहीं गुज़र गए पता भी नहीं चलता सोलह साल गुजर गए सोलह साल चालीस साल गुजर गए ज़िंदगी के मसलन किसी के तो चालीस साल निकल ही गए ना पता भी नहीं चला ऐसी होता है कि जिस वक्त वक्त चल रहा होता है जैसे आज का ये दिन है तो कुछ महसूस हो रहा होता है जब ये गुजर जाता है तो तकलीफ़ वगैरह सब भूल जाता है इंसान हमारी सबका ज़िंदगी में कितनी अजियतें आईं कितनी आजमाइशें आईं कितनी परेशानियाँ आईं क्या उनकी तकलीफ़ याद है नहीं भूल भाल जाता है आदमी इसी तरह जो दुनिया के अंदर खुशियाँ और राहतें मिलती हैं उनकी लजत ख़त्म हो जाती है तो ये तो आसा ज़िंदगी गुजर ही जाएगी थोड़ा सा रह गई है वो भी गुजर जाएगी लेकिन ये शादत की बात है कि हमने इस ज़िंदगी को हालत इस्लाम में गुजारा हुआ है तो इसलिए शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है और मैं तो अर्ज़ करता हूँ कि अगर खुदा न खास्तः कोई शख्स नाम का भी मुसलमान है फरमानियाँ करता है गुनाह करता है तब भी उसके लिए बहुत बड़ी शादत है कि मुसलमान तो है उसे यह शादत हासिल करने के बाद होश करना चाहिए कि अब मैं सही मुसलमान भी बन जाऊँ लेकिन काफ़िर से तो ये भी बेहतर है और काफिर के लिए हमेशा हमेशा जहन्नम है शदीद कस्म के अजाबात हैं जिनको अल्लाह ने बयान फरमाया तो इसलिए तमाम देखने वालों की ख़िदमत में गुजारिश है कि कभी चौबीस घंटे में एक बार हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपने मुसलमान होने का शुक्रिया अदा कर दिया कीजिए तेरा बड़ा शुक्र है कि हमने इस्लाम को तो तलब नहीं किया था बगैर तलब किए तो मुसलमान भी बना दिया और बगैर तलब किए अपने सबसे महबूब तरीन नबी की उम्म में भी पैदा फरमा दिया ये तेरे लिए तेरा बहुत ही बड़ा हम पर एहसान है ये बार बार हमें कहना चाहिए लिहाजा अभी अजाब बयान करके फिर अब अल्लाह तबारक व ताली की अक्सर आदत करीमा क़ुर अज़ीम में यही नज़र आई कि अगर अल्लाह तजाब बयान फरमाता है तो उसके बाद इनाम का तस्करा फरमा देता है गुमराही का जिक्र होता है तो हिदायत का जिक्र भी मतलब जिदेन को बयान फरमाता है तो लिहाजा अब आगे नेक लोगों के इनाम का भी तस्करा फरमा दिया कुल ए हबीब करीम सल अल्लाह वाद फरमा दीजिए ज़ालिका खैर उनके तमाम अजाब बेहतर हैं अम जन्नत दिल लती मुत्तकून या वो हमेशा रहने वाली जन्नत के जिसका वादा मुत्तकीन से किया गया है कितनी ज़बरदस्त बात है कि आग को सामने रखो जन्नत को सामने रखो अब बताओ इनमें से बेहतर कौन सी चीज़ है यकीन सी बात है कि आम अक्ल रखने वाला शख्स भी कहेगा कि जन्नती सबसे बेहतर है तो फिर क्यों इस जहन्नम वाले काम करें क्यों इख्तियार करके अपने आप को इस जहन्नम का मुस्तक बना रहे हो लिहाजा जन्नत वाले काम करो इस्लाम लाओ परहेजगार बन जाओ मुत्तकी बनो गुनाहों को छोड़ो तो इन श्ला जन्नत में दाखिला हासिल होगा कानत लहम जज़ा अम व मसीरा ये जन्नत जो है इन लोगों के लिए बदला है और अंजाम है इनका अंजाम है ये जन्नत कि जो मुत्तकीन होंगे परहेजगार होंगे उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा आगे वहाँ मजीद फरमाया लहम फ़ीहा मा या शाऊन इन जन्नतियों के लिए उस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जो ख्वाहिश करेंगे खौदीना हमेशा रहने वाले हैं जैसे भी मैंने हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ की यह आयत वही बयान कर रही है कि जब जन्नत ही जन्नत में चले जाएंगे तो वो एक तो वहाँ पे हमेशा रहेंगे हमेशा यानी कभी मौत आएगी ही नहीं वहाँ से कभी नहीं निकाले जाएंगे दूसरी बात ये कि जो वो चाहेंगे अल्लाह तता फरमाएगा जो वो चाहेंगे जो आपके दिल में ख्वाहिशात आप दिल में सोचेंगे और फौरन वो चीज़ आ जाएगी फिर सोचें और चीज़ आ जाएगी कितना सोचेगा आदमी कितनी चीज़ें मांगेगा कितना तलब करेगा हर चीज़ अल्लाह तौर फ़रमा देगा एक वक्त आएगा कि हो सकता है ख्वाहिशात भी दम तोड़ जाएँ कि अब क्या मांगें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इतनी अल्लाह तारा ने नमतें अता फ़रमाएगा काना अला रबी का वाहम मसूला कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि ये जो तमाम हमने ये जो मतकीन के इनामत तस्करा किए हैं ये तुम्हारे रब के ज़िम्मे एक ऐसा वादा वादा है कि जिसका सवाल किया गया था अब ये सवाल किया गया था यानी दुनिया में तुमने इसको तलब किया था जिससे हम कहते हैं कि रौबना आती ना फ़िल दुनिया हसन आता व फ़िर आती हसन आता हों व़ी नार के अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अत फ़रमा और आख़रत में भी भलाई अता फ़रमा तो गोया कि ये मतकीिन जो तलब करते रहे थे दुनिया में मांगते रहे थे कि अल्लाह हमें उखर अच्छा अनजाम अता फ़रमा हमें जन्नत अता फ़रमा तो जितने ये जितने इनाम तस्कर किए गए हैं ये तुम्हारे वही मांगे हुए इनाम हैं जो तुम्हारे अच्छे आमाल के बदले में अल्लाह ने अपनी राहमत कामिला के सदक़े में अता फरमाए हैं व्योम यह शुरू हम और जिस दिन जमा किया जाएगा जमा फ़रमाएगा अल्लाह इन कुफार को वमा या अबूदूनम्दून लाही और उन तमाम को कि अल्लाह ताली के अलावा जिसकी जिनकी ये लोग इबादत किया करते थे तो यानी ये कुफ़ार भी जमा कर लिए जाएंगे और अल्लाह ताला बुतों को भी वहाँ जमा करेगा और उनको क़वत गोया अतः फ़रमा देगा बुत बाकायदा बोलेंगे या जो इंसानों में अगर किसी को खुदा बनाए बैठे थे उन्हें जमा कर लेगा अल्लाह ताला उन तमाम को जमा करके फिर फ़ैक़ूलू फिर अल्लाह ताला इन तबूदों से जिनको ये झूठे महबूद बनाए थे उनसे शाद फरमाएगा अं तुम और लल तुम इबादी हा उलाई क्या तुमने गुमराह किया मेरे इन तमाम बंदों को अम हम वल्लुसबील या ये खुद ही राह भूल गए थे अब उनको सहला गया अल्लाह सब जानता है लेकिन इसलिए ख़ास तौर पर माबूदान बातिला से ये सवाल किया जाएगा ताकि कुफ़ार उस दिन बहुत हसरत और शर्मिंदगी महसूस करें कि जिनको सारी ज़िंदगी पूजते रहे थे वो तो हमारे ख़िलाफ़ होगा यहाँ पर ये और ज़्यादा सदमा होगा कि अब तो किसी की उम्मीद ही बाकी नहीं रहेगी कॉलू तो वो कहेंगे सुबह ए अल्लाह तुझे पाकी है माँ का ना यम बगी तबिन दो कबिन अलिया हमें ये सजावार ये बात हमारे लिए मुनासिब थी नहीं कि तेरे सिवा किसी और को वली बनाएँ किसी और को अपना मोल मददगार बनाएँ तो हमारे लिए मुनासिब ही नहीं था वला कि हम और लेकिन तू ने उन्हें और इनके बाप दादाओं को कुछ नफ़ा उठाने दिया हद तसु ज़िक्रा यहाँ तक कि ये तेरी याद को भूल गए वकानु का मम्बूरा और ये लोग थे ही हलाक होने वाले तो गोया कि वो कहेंगे कि नहीं हमने इनको बिल्कुल गुमराह नहीं किया दरअसल रब्बे करीम तूने इनको दुनिया में जो नियमतें अता फ़रमाई थी उन नेमतों में मशगूल होकर तेरी याद से गाफिल हो गए और वे तुझे भूल बैठे और इनको एक बुरी कौम है कि इन्होंने हलाक होने वाली कौम है कि तुझे छोड़ कर इन्होंने हमें अपना मबूद बनाया आगे अल्लाह तारा ने शायद फरमाया फ़ुद का तो बेशक झुटला दिया उन मबूदा बातल ने कुफ़ार तुम्हें बीमा तक तुम झुटला दिया तुम्हें उस चीज़ के सबब जो तुम कहते थे यानी जो बातें तुम कहते थे कि हमारे खुदा हैं या हमें सब हमारा ये सब कुछ कर सकते हैं खुद इन्होंने उस बात को झुटला दिया तुम्हें झुटला दिया तुम्हारी बातों को झुटला दिया फमा तस्तती न सरफ़ों वाला नसरों तो अब तुम ना अजाब को फेर सकोगे और ना अपनी मदद कर सकोगे वमई और तुम में से जो िम है जिसने म किया यानि इनकार नबूत करके या अल्ला की तोहद का इनकार करके जो का मरतब हुआ नज़िक़ हो अज़ाबन कभी राे बड़ा अजाब चखाएँगे सख्त अज़ाब में मुबला करेंगे वमा और सलना कबिला अब ये कुफ़ार के उस एतराज़ का जवाब कि जो ये जो ये कहा करते थे कि ये रसूल तो क्या है ये तो बाज़ार में ये तो खाते पीते भी हैं बाज़ार में चलते हैं तो इन पर अभी मान लेकर कर आए। तो उनका रद्द करते हुए अब यहाँ पर अल्लाह ताला तो शाद फरमा रहा है कि तुम इस नबी के बारे में बात बोलते हो ये बताओ सबक़ा अम्बिया का तरीक़ा क्या था क्या वो खाते पीते नहीं थे क्या उन्होंने तजारतें नहीं कि क्या वो बाज़ार में नहीं आते थे अगर तुम हाँ कहते हो जैसे कि पिछली किताबों में तुमने सुना यहूदियों से या फिर तुम्हारे हाँ ये मशहूर हैं बातें तो जब उनके लिए तुम ये तस्लीम करते हो और उन्हें नबी मानते हो कि हाँ वो ऐसे गुजरे हैं तो इनके लिए क्यों इनकार करते हो और इनके खाने पीने तजारत करने पर क्यों इजहार तजुब ये कोई नई बात तो नहीं है लिहाजा शाद फरमाया कि वमा और सलना और नहीं भेजा हमने कबल का ए हबीब करीमलील्ला वसम आपसे पहले मिनल रसूलों में से किसी को इल्ला मगर हम बेशक वो तमाम के तमाम लिया कुलना ज़रूर खाते थे खाना वयम शूना और वो चलते थे फ़िल असवा बाज़ारों में वो तो खाना भी खाते थे बाज़ारों में चलते थे सब जानते हैं कि उस तमाम नम्बी साम का यही तरीक़ा रहा था वजना बाम लिबादिन फितन और हम ने तुम में से बाज़ के लिए आजमाइश बना दिया है ये इस आयत का शानज़ुल ये है कि या तो ऐसा हुआ कि जो कुफ़ार क्रैश जो बड़े सरदारानैश थे ये जब ईमान लाने के बारे में सोचते तो देखते कि इस्लाम लाने वाले अक्सर ग़रीब साहबी हैं शुरू में गुरबा ईमान लेकर आए ज़्यादातर तो ये सोचते थे कि अगर हम भी ईमान लेकर आएंगे तो हम इन गरीबों के बराबर हो जाएंगे और ये मुनासिब नहीं तो उन लोगों की ग़ुरबत गोया कि इनके लिए एक आजमाइश बन गई और इन्होंने इस्लाम कबूल करना छोड़ दिया या बाज़ू सोचा ये ऐसे ही साहबा को देख कर के अगर हम ईमान लाएँगे इनकी तरह रबत का शिकार हो जाएंगे एक तो है कि अमीरी के साथ साथबत के साथ रहें ये मुनासिब नहीं दूसरा हम भी ग़रीब हो जाएंगे तो इस खौफ की वजह से ये लोग ईमान लेकर नहीं आए तो ये अल्लाह ने शाद फरमाया कि बाज़ को बाज़ के लिए आजमाइश बना दिया और एक तीसरा कौल इसमें यह भी है के कुफार को मुसलमानों के लिए आजमाइश बना दिया जैसे अबू जहल म करता था दीगर लोग जुल्म करते थे मुसलमानों के लिए आजमाइश थे इस आयत पर इंशाल्लाह कलाम जारी रहेगा अगले प्रोग्राम में वाखर दावाना अलहमदिल्ल रबालमी